नमस्कार, स्वयं में आपका स्वागत है। जीवन में हर पल कीमती होता है। जो लोग वक्त की कीमत जानते हैं वो जिंदगी की कीमत जानते हैं, और वक्त की रफ्तार को बांध लेना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों की ऐसी जुगलबंदी होती है कि समय उनकी रफ्तार के साथ बन जाता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी महिला धाविका से जिनके पैरों की रफ्तार के साथ वक्त बन गया, बल्कि ऐसा कह सकते हैं कि वक्त को इन्होंने अपने पैरों की थापों के नीचे बांध लिया। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं रचिता मिस्त्री, जो कि मिसाल हैं एक प्रबल इच्छा शक्ति की। इनके पांव न वक्त ने बांधे न सुविधाओं ने। रचिता ने भारत की सर्वश्रेष्ठ धाविका पीटी उषा का 100 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा और नया कीर्तिमान स्थापित किया। जकार्ता में हुई एशियाड मीट में भारत के लिए इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। क्षमता जहां अभावों के बीच भी अपना रास्ता ढूंढकर आगे आई, रचिता उसी का प्रतीक है। हमारा देश सर उठाकर उनकी उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है। आइए बात करें रचिता से और जानें कि भारत जैसे देश में जहां लड़कियों के लिए खेल की मानसिकता इतनी प्रबल नहीं है, वहां इन्होंने अपने लिए ये रास्ता कैसे तय किया, अपना मुकाम कैसे तलाशा। रचिता, स्वयं में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले ये बताइए कि 8 साल की उम्र से आपने भागना शुरू कर दिया था, एथलेटिक्स में पार्ट लेना शुरू कर दिया था, तो उस समय आप क्या बनना चाहती थी? एथलेटिक्स ही क्यों चुना आपने, कोई और खेल क्यों नहीं चुना? वैसे तब तो मैंने कुछ सोचा ही नहीं था कि क्या करना है या क्या नहीं करना है। जब मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था तब जैसे स्कूल में खेलना था और उषा के बारे में पढ़ रही थी, पीटी उषा, हाँ जी पीटी उषा के बारे में, तब मैंने काफ़ी इंटरेस्टेड हो गई कि बहुत बड़ी एथलीट है, पता नहीं कैसी होगी, बहुत बड़ा हाइट होगा या कुछ अच्छी देखने के लिए होगी या कुछ तो खासियत है, सब लोग उसके बारे में बातें करते हैं। तो जाके अपने टीचर को पूछा करती थी, पीटी टीचर जो थे मिस्टर पात्र करके थे तभी, तो उन्होंने कहा कि नहीं वो बहुत बड़ा एथलीट है, ये है वो है, सब बताने लग गए। पीटी उषा खाली देखने में अच्छी लगती थी या क्योंकि वो इतनी अच्छी, उसकी मसल्स काफ़ी अच्छे लगते थे, काफ़ी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी मैं, पता नहीं क्यों, जैसे कि बस उसको देखना है कैसे भी करके। तो तभी उन्होंने कहा कि तुम्हें स्पोर्ट्स करना होगा, फिर नेशनल जाना होगा, इंटरनेशनल जाना होगा, तभी वो तुम्हें मिलेगी। तो मेरा पहला एम था कि मुझे उषा से मिलना है, तो एक ही तरीका है, यदि मैं स्पोर्ट्स करूँगी तो ही उससे मिल सकती हूँ, नहीं तो नहीं मिल सकती। तो दैट वॉज द ओनली थिंग कि मुझे क्यों करना था, यही मेरा ये था कि स्पोर्ट्स करना है और उषा को मिलना है। रचिता, मैंने सुना कि 10 साल की उम्र से आपका काफ़ी अच्छा पकड़ आपकी हो गई थी एथलेटिक्स में, और आपने एक समय आया जब आप स्पोर्ट्स हॉस्टल जाना चाहती थी इसके लिए, और आपकी मम्मी कुछ ज़्यादा नाराज़ हो गई थी आपसे। जी हाँ, मेरे को तो भूख हड़ताल भी करना पड़ा था, 2 दिन तक खाना नहीं खाई, जबकि पापा चाहते थे, आई बिलोंग्स टू अ ब्राह्मण फैमिली, तो हमारे में लड़कियां बाहर नहीं जाती घर से, भले ही घर में रहकर कुछ भी करो, तो शी वांटेड मी टू स्टे ओवर देयर और वहीं से स्पोर्ट्स करना है तो करो। तो इसके लिए मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स करना पड़ा था, क्योंकि मुझे हॉस्टल नहीं जाऊंगी तो अच्छा फैसिलिटीज़ में नहीं मिलेगा और मुझे अच्छा स्पोर्ट्स नहीं करा, और मेरे टीचर जो थे वो मेरे दिमाग में पूरा घुसाए हुए थे कि तू हॉस्टल जाएगी तो ही अच्छा करेगी, तो मुझे वो पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थी। तो जब सीधी उंगली से घी नहीं निकली तो मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ी, सीधी बात है कि जब मैंने अच्छी तरह समझा है तो समझने के लिए कोशिश नहीं किया, तो भूख हड़ताल किया तो 2 दिन, तीसरे दिन नहीं मान गए थे, चौथे दिन में तो मैं हॉस्टल में ही पहुंच गई थी। ट्रेनिंग के किस समय, किस दौरान आपको ऐसी कोई घटना याद है जिसके दौरान आपको लगा हो कि हाँ मैं बहुत अच्छा कर पाऊंगी एथलेटिक्स में, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? कब आपको लगा कि आप एक टॉप क्लास एथलीट बन सकती हैं कंट्री की? जैसे हॉस्टल में मैं रहती थी, हम लोग का चेक जैसे टेस्ट होता है महीने में एक बार, फिजिकल टेस्ट होता है, मैं कभी कुछ ज़्यादा ट्रेनिंग नहीं करती थी, एज यूजुअल सब लोग जैसे करते थे वैसे करती थी, मगर टेस्ट में जब भी देखा जाए मेरा सबसे हाईएस्ट होता, जैसे पावर पे हो, स्नैच पे हो, या स्ट्रेचिंग फ्लैक्सीबिलिटी पे हो, या एंड्योरेंस पे हो, सभी में मेरा अच्छा होता था। जब एक
डायरेक्टर्स ऑल इंडिया डायरेक्टर्स मीटिंग और समथिंग लाइक दैट, ऐसे कुछ था, कटक में ही था, उड़ीसा में. तो उन लोगों का क्या बात हुआ कुछ पता नहीं, मेरे को खास बुलाया गया था. आई वॉज आई थिंक 12 साल की होगी, 12 या 13 साल की ऐसे कुछ होगी. तभी उन्होंने कहा था कि बेटा आपको पता है आप जो परफॉर्मेंस दे रहे हो आप क्या करेंगे. मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो भागना था. आप क्या चाहती थी कि अगर साथ वाले लोगों को हरा दिया उतना ही काफी था स्कूल वाली लड़की? मुझे तो ऐसे ही लगता था. कभी सोचा था कि ओलंपिक्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? कभी भी नहीं, कभी नहीं सोचा था. सिर्फ मुझे उषा को देखना था, उसके साथ भागना था. उसके साथ भागने का तो कभी सोचा ही नहीं था, सिर्फ उषा को मिलना था. उषा वॉज द एम, फर्स्ट एम. मैंने कहीं आने की सोचा तो सिर्फ उषा के लिए आई मैं, भले ही मैं उसको बीट किया. दैट्स व्हाई आई फैन. ऐसे इतने इतने शायद बड़े फैन कोई होंगे नहीं उषा के. उषा जी को आप जब पहली बार मिली तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी, कैसा लगा आपको? जिनके कारण आपका एकदम जीवन का लक्ष्य बदल गया, जीवन का रास्ता बदल गया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा. उस दिन मैं पहले फर्स्ट इंटरस्टेट मीट सीनियर्स खेलने के लिए गई थी मद्रास. तब उनसे ऑटोग्राफ लिया था और जॉगिंग करते करते मैं उनसे थोड़ी बहुत बात कर दिया था कि क्या करती हैं दीदी, और अच्छा से बात भी किया था. सी लुक्स वेरी ह्यूज, लाइक यू नो बहुत बड़ा हाइट है और मेनली फिगर है. तो डर भी लगता था कि पता नहीं हमसे बात करेंगे या नहीं करेंगे. बात किया, बहुत अच्छा लगा. और लाइक जब घर आई तो एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रही हूँ कि उषा कैसे लगती थी. उषा ये थी, उषा वो थी, उषा फिर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ और क्या ना करूँ और कैसी ऐसी बनी और क्या खाती होगी, क्या कैसे करती होगी, क्या सोती नहीं होगी या दिन भर भागती होगी. बहुत ही सारे क्वेश्चंस दिमाग में आया था. स्लोली स्लोली एवरीथिंग गॉन. लाइक आई फेल्ट रियली हैप्पी जिस दिन मैं उनको मिली थी, और दोबारा सोचती थी कि फिर कभी मिलना. और वो लम्हा मैं कभी भूल नहीं पाती हूँ जिस दिन मैं उनको पहली बार मिली थी. ये बताइए रचिता, एक एथलीट के लिए, खासकर एक आपकी तरह महिला एथलीट के लिए, क्या जीवन काफी कठिन होता है? किन किन कठिनाइयां आपको लगती है, उस समय आपको किन का सामना करना पड़ा? डिफ़िकल्ट तो बहुत ज़्यादा है. लड़की फर्स्ट आप फैमिली से निकलेंगे, यदि फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है तो आपको थोड़ा बहुत कुछ मिल गया. किट के एटलीस्ट किट के मामले में आपको रनिंग ट्रैक सूट मिल जाए, एक शॉर्ट्स मिल जाए, एक टी शर्ट मिल जाए, उसी को ही आप किट कहेंगे. स्पाइक्स तो किसी को ही मिलता है, जैसे फॉरेन स्पाइक्स हम लोग यूज़ करते, पहले तो नहीं मिलता था. तो कोई कोई एफोर्ड कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है. लड़की जाके क्या करेगी, कुछ भी नहीं. और आजकल के दिन में जब बॉम्बे में भी काफ़ी एथलीट हैं जिन बहुत अच्छे करते हैं, मगर पेरेंट्स कहते हैं कि स्पोर्ट्स करके क्या करना है. पर आम घरों की लड़कियां भी काफ़ी जाती थी एथलेटिक्स? बिल्कुल बिल्कुल आती थी. आजकल सब कुछ बंद हो गया क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम्स आ गई है. लाइक उतना ही स्ट्रांग होना चाहिए. और किन कईयों की शादी हो गई, जो लोगों को हस्बैंड सोचते हैं कि बच्चे को देखो भाई तुम स्पोर्ट्स करोगी तो कैसे चलेगा. सभी तो हमारे जैसे लकी नहीं होते. थैंक्स गॉड के भगवान ने मुझे अच्छा हस्बैंड और इन लॉ पेरेंट्स दे दिए. एक बात तो ये कि हमारे पब्लिक जो है, हमारे मीडिया जो है, वो लोग उषा और मिल्खा सिंह के बाद वो किसी को देखना ही नहीं चाहते. मैंने कंटिन्यूअसली 3 साल पीटी उषा को हराया, बॉम्बे में सबके सामने, दिल्ली में, बैंगलोर में, हर एक जगह पे. कहाँ, क्योंकि हमारे कोई इंटरनेशनल मीट जाने से पहले 5-6 सर्किट मीट्स होते हैं जहाँ यू हैव टू क्वालिफाई, देन ओनली यू कैन गो फॉर इंटरनेशनल मीट. इतना बार मैंने हराने के बावजूद भी हेडलाइन पे कभी मेरा नाम पहला नहीं आया. दिस इज लाइक यू नो मेरी ये शिकायत है, क्यों नहीं आया, व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या मैं उसको बीट किया वो मेरा प्रॉब्लम था, या उसने मेरे से हार गई ये प्रॉब्लम था? दे यूज्ड टू राइट लाइक उषा इज नॉट इन शेप सो रचिता बैठा. तो मुझे यदि ये सुनने से अच्छा लगता था कि रचिता बैठ उषा, यू नो इट्स अ ग्रेट थिंग. पर पीटी उषा जी के साथ आपके संबंध थे, उन्होंने आपको कंग्रेचुलेट किया इसके लिए, बधाई दी? बिल्कुल कुछ भी नहीं. जबकि तुरंत नेक्स्ट डे पे उन्होंने मेरा चेकअप के लिए भेजवा दिया था, जबकि हमने ऑलरेडी हमारे डोप टेस्ट करवा दिए थे और उसके बाद भी हम इंटरनेशनल मीट में जाकर टेस्ट करवा दिए थे. यही दुख की बात है कि उन्होंने मुझे कंग्रेचुलेशन तो छोड़िए, मेरे कंप्लेंस कर दिया गया था कि सी हैज टेकन ड्रग्स टू ब्रेक माई रिकॉर्ड्स. रीजन दैट पिटी, आपको तो बहुत बुरा लगा होगा, खासकर आपकी वो आदर्श हैं तो आपके बारे में ऐसा सोचती हैं, तो आपका दिल काफी दुखा होगा इसकी वजह से. बिल्कुल, एक्चुअली दुख तो लगा, मगर द सेम टाइम आई फेल्ट के एज अ ह्यूमन बींग मैं भी कभी किसी हद तक एक चीज मुझे बहुत पसंद है और बहुत दिन सालों लग गई मुझे उसको लाने के लिए. कल का लड़की आकर कोई मार दे मुझे या मेरी रिकॉर्ड, अभी भी मैं आपको बोल रही हूँ, यदि मैंने 17 साल 18 साल लेके एक रिकॉर्ड को ब्रेक किया, यदि कल कोई आकर मुझे वो ब्रेक कर देगा, भले ही मैं किसी को कुछ बोल नहीं पाऊंगी, दिल में एक बार मेरे दिल से यही आएगा हाय वो कैसे कर गई.
रचिता आपसे बातें जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रचिता, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वयं में स्वागत है। हम बात कर रहे थे भारत में एथलेटिक्स के क्षेत्र में कठिनाइयों की, प्रॉब्लम्स की। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें भारत किस तरह बेहतर परफॉर्म करे, इसके लिए क्या करना ज़रूरी है, क्या क्या कर सकते हैं? एक तो आपने बताया वहाँ टाइम से पहले पहुँचना बहुत ज़रूरी है अक्लेमेटाइजेशन के लिए, इसके अलावा क्या क्या ज़रूरी है? पहली बात तो ये है कि कंपटीशन को ठीक करने के लिए, जैसे पेड़ को ऊपर ठीक करने से पहले जड़ को करें। पहली बात ये है, हमारे जो कैंप्स लगते हैं यहाँ पे, हम लोग अभी ही एप्लीकेशन लिख के दिए थे उमा भारती जी को कि हमारे जो कैंप्स है पटियाला में होता है, इतना गर्मी में हम लोग एक एक रूम में चार चार जन, पांच पांच जन को रखा जाता है, ना कूलर है ना पंखा ठीक से चलती है, दिन का कम से कम 6 hours अ डे मिनिमम की बात करिए, मैक्सिमम 8 hours पे जाता है, थ्री टाइम्स अ डे वी हैव टू डू ट्रेनिंग। तो इतना ट्रेनिंग के बावजूद इतनी हालत ख़राब हो जाती है, रात रात नींद नहीं आती है। फिर खाने का भी वही है, थोड़ा बहुत चेंजेस है, नहीं तो ऑयली फूड, और जो कि शायद एक एथलीट या एक के लिए फिट स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। नहीं है, बाकी कितना दिन करेंगे, थोड़ी बहुत जैसे कि बॉयल चिकन दे दिया तो बस, यदि चिकन डाला तो उसमें कोई भी फ्लेवर नहीं, डाइटिशियन वगैरह कुछ होता नहीं है? डाइटिशियन होता है, मगर डाइटिशियन देखता है कि उसका क्या टेस्ट है। पोटैटोस खाना बहुत अच्छा है, इसके लिए हमें बॉयल पोटैटोस खाना चाहिए, ये नहीं कि हमें टेस्ट के लिए पोटैटोस के साथ कुछ और दिया जाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप डाइटिशियन हो स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्समैन डाइटिशियन आपके लिए नहीं है, आप हमारे लिए हो, तो आपको हमारा टेस्ट का पता करना है, ना कि आपको क्या अच्छा, आपको आइसक्रीम खाना अच्छा लगता है, बटरस्कॉच तो क्या जरूरी है हमें बटरस्कॉच खाना है। कहने का मतलब ये है कि आपको रखा जरूर गया है, मगर आप जो डिसाइड करते हो आपके लिए करते हो। ये तो आमतौर पर हुई एथलेटिक्स की भारत में बातें। आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर देखा जाए तो आपको काफ़ी चोटें भी लगी हैं, और मेरे ख्याल से एथलेटिक्स के साथ और स्पोर्ट्स के साथ भी ऐसा है, पर खासकर एथलेटिक्स में चोटें काफ़ी लगती हैं, इंजरीज काफ़ी होती हैं प्लेयर्स को, जिससे उभरने के लिए काफ़ी समय लग जाता है। तो आपकी वो जो एक इंजरी थी जो आपकी पीटी उषा को हराने के पहले की थी, उसके बाद आपने उनका रिकॉर्ड तोड़ा, उसके बारे में हमें बताइए, और वो कैसे हुई, क्या वो दौड़ते समय ही हुई? जी, मेरे को साइटिका था, स्लिप डिस्क, पहले तो स्लिप डिस्क से आया साइटिका, साइटिका से फिर ज़्यादातर डिस्क बुरी तरह हट गई थी, इसके लिए मुझे ऑपरेशन करना पड़ा। जो मैं पहले हॉस्टल में थी तब वहाँ पे ट्रेनिंग बहुत अच्छा था, मगर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था कितनी छोटी लड़की है, उसको कितना वेट्स दिया जाना चाहिए। हम लोग का स्क्वाट्स करते थे, तो स्क्वाट्स मीन्स फुल स्क्वाट कराते, वेट लेके बैक में शोल्डर्स पे रखा जाता है वेट्स, यू हैव टू सिट डाउन एंड अप, तो वो क्वार्टर शेप के लिए होती है। तो वो से करना शुरू कर दिया। हाँ जी, तो 10 साल से मुझे करवाया गया था एक से, तो उन दिनों देखा नहीं गया था कि मेरे कितना वजन ले सकती हूँ, तो ओवर वेट से मेरी बैक का इंजरी शुरू हो गया था। उन दिनों से थोड़ी 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 होते हुए बड़ा हुआ, और उन दिनों जब भी हम कंप्लेंट्स करते थे तब एज यू नो कि हाँ बच्चे तो कंप्लेंट कर, चल चल कुछ नहीं होगा तू कर ले, इस तरह आस्ते धीरे धीरे बढ़ता गया बढ़ता गया। तो मुझे पता तो नहीं चला, मुझे लगा हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम। कभी इसका चेकअप नहीं कराया आपने? कभी बहुत बार किया, मगर डॉक्टर ने यही कहा कि हैमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम है, कभी बैक के ऊपर किसी का ध्यान ही नहीं था। हैमस्ट्रिंग में पॉइंट इंजेक्शन भी दिया गया था, मगर कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। क्या होता था आपको, दर्द होता था बहुत ज़्यादा, एक साइड में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, तो स्लोली वो दर्द ज़्यादा बढ़ गया, और जैसे एक ही जगह पे था आस्ते आस्ते पूरा पैर हो गया, सिर के तरफ आ गया, और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया, बिल्कुल सुन हो गया, और जैसे एक कंपटीशन भागो तो एक साइड पूरी तरह सिर से लेकर पैर तक दर्द होना शुरू हो गया। तो एक दिन में ट्रायल देती थी 300 meters, सबको लड़का लोगों के साथ था, जहाँ जो लोग स्टेट में रिप्रेजेंट करते हैं उनके साथ था, तो मैंने 5 meter में बीट किया, बीट करने के बाद हाँ जी 300 meters में बीट किया, मैंने बेस्ट टाइमिंग भी दिया। उसके बाद उस रात आके सोने के बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग मेरे से उठा नहीं गया, मुझे समझ में नहीं आया क्या हुआ। इसके बाद मेरी चेकअप करवाया, कराने के बाद डॉक्टर ने यहाँ पे बॉम्बे में होने के बावजूद उन्होंने कहा कि MRI निकालो फिर पता चलेगा। डॉक्टर ने पहले क्यों नहीं कराया, अगर इतनी तकलीफ आपको शुरू से ही थी तो इतना थोड़ी थोड़ी थी। तो मुझे जब उड़ीसा में एज आई टोल्ड यू के कभी इंटरेस्ट लिया ही नहीं मेरी इंजरी के बारे में, ज़्यादातर सोचते थे कि मेरी बहाना होगी, एंड कभी मैंने नेग्लेक्ट नहीं किया ट्रेनिंग के लिए, तो शायद कभी मैं सोचती थी कि छोड़ो थोड़ा सा ही तो पेन है, आई यूज टू इट।
तो इस तरह बढ़ता गया दिन पे दिन, मगर कभी ये नहीं किया मेरा स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा, तो लाइक एक पैर नी हमारे दोनों लेवल पे आनी चाहिए, हाई नी जब हम रनिंग करते हैं एक्शन दोनों एक ही लेवल होना चाहिए, मेरा एक लेवल से नीचे था एक लेवल के ऊपर था, तो उससे क्या होता था मेरा पूरा प्रेशर राइट लेग पे था, लेफ्ट लेग पे बिल्कुल कुछ नहीं था, यूज ही नहीं होता था, तो बिल्कुल वीक होते गया, उस पर मसल्स कम होने लग गया, वीक होने लग गया, तो आस्ते आस्ते स्पाइन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया, तो तब भी मुझे पता नहीं था, तो मैं स्क्वाट्स करती थी, आई एम नॉट सपोज टू डू दैट। फिर डॉक्टर आनंद जोशी को दिखाया, डॉक्टर आनंद जोशी आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हिम, एंड मेरे हिसाब से उनके जैसा डॉक्टर तो मैंने शायद किसी कहीं देखा ही ना हो, उन्होंने जितने एथलीट्स के लिए किया है या स्पोर्ट्समैन के लिए किया है शायद कोई ना करे। आपने इतनी लेट स्टेज पे जाके उनको दिखाया, पर शायद बाहर के एथलीट्स और कंट्रीज में और इमीडिएट दिखाया, उनके पास दे हैव गॉट देयर ओन डॉक्टर्स, उनके पास डॉक्टर्स खुद के हैं, चेकअप के लिए मशीन्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हो रहा क्या नहीं हो रहा है वो देखने दिख जाता होगा कि खराब होने की स्थिति से पहले ही पता चल जाता है, तो दे कैन डू समथिंग, माइनर से ही पता चलता है, तो इतनी मेजर के लिए जरूरत नहीं पड़ती है। और यहाँ मैं आती नहीं थी, या मैं शादी नहीं करती थी, या मेरी शादी हुई तभी मैं बॉम्बे आई, आई बिलोंग्स टू उड़ीसा, तो नेचुरली उड़ीसा में रहती थी तो स्पोर्ट्स करना ही नहीं था, शादी करना, बच्चे पैदा करना, यही हमारा काम था। ये तो काफी ताज्जुब वाली बात है कि इतना सब कुछ आपने शादी के बाद पाया। बिल्कुल, आई रियली कैन, जबकि देखा जाता है आमतौर पर भारत में महिलाओं का ऐसा होता है कि शादी के बाद एकदम वो ज्यादातर घरेलू हो जाती है, अपना करियर आगे नहीं बढ़ा पाती है। बिल्कुल, आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड होमियर मिस्त्री एंड हिज फैमिली, हिज फादर एंड मदर, उन लोगों के वजह से मैं वापस आई, और ये अर्जुन अवार्ड, छत्रपति अवार्ड, एशियन गेम्स मेडल, ओलंपिक, जो कुछ भी मुझे, मैं जितनी हाई पोजीशन, और इवन पीटी उषा का रिकॉर्ड सबसे बड़ा अहमियत मेरे लिए वही रखता है, जिसको उसने 18 साल तक पकड़ रखी थी उसको मेरे तोड़ने के लिए कामयाब हो गई। रचित, देखा जाए तो मेडिकली या प्रकृति की तरफ से भी महिलाएं ज़्यादा कमज़ोर होती हैं पुरुषों के मुकाबले, मसल्स कम होते हैं, तो एथलेटिक्स जैसे क्षेत्र में क्या क्या इसके से भी कठिनाइयां ज़्यादा बढ़ती हैं उनके लिए? पहली बात तो मैं आपको कहूँगी कि वीमेंस आर नेवर वीक, किस लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ, मसल्स ज़्यादा होने से इंसान अच्छा कर सकता है ये कोई ये नहीं है। आज के दिन में ओलंपिक में मेडल सिर्फ लड़की ने लाया है, आज के दिन में उषा 5-5 गोल्ड मेडल भी जीता है, तो वी कैन से कि हम लोग कहीं पे भी वीक नहीं है, हम सबसे आगे हैं। आपसे बातें अभी जारी रखेंगे, पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्वयं में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रचिता मिस्त्री से। रचिता, पीटी उषा जी एक बार आपकी आदर्श थी, आज मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि कई लोगों के लिए आप एक आदर्श हैं। आप अपनी किस शक्ति को इसके पीछे मानती हैं? मनोबल, यू नो, विलिंग पावर, विच इज देयर विथ मी, लाइक मेरे साथ पहले से ही था कि वट एवर आई फील लाइक के मुझे ये चाहिए तो मुझे चाहिए ही, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, एंड उसमें पेन हो या ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, कुछ भी करके से आपकी जो मनोबल, आपका जो आपके साथ रहा है मनोबल, और आप किसी का आइडल बन चुकी हैं आप कई लोगों का, उसके बारे में आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जब कोई, कितने लोग चिट्ठियाँ भी लिखते हैं, लेटर्स लिखते हैं कि हमको बहुत अच्छा लगता है, और आई ऑलवेज राइट देम लाइक वापस उनको जवाब देती हूं। रचिता, मैं चाहूँगी कि जो लोग एथलेटिक्स के क्षेत्र में आगे आना चाहते हैं, खासकर हमारी महिला दर्शक, उनको क्या करना चाहिए, आप उनके लिए कुछ संदेश दीजिए। पहली बात तो मैं कहूँगी कि थिंक पॉजिटिव एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, आप अच्छे सोचेंगे तो अच्छा होगा, आप बुरे सोचेंगे तो बुरा होगा, किसी भी चीज़ को आप ठान लिया तो उसको कर दिखाइए, उसके लिए कोई भी बहाना मत लीजिए कि ये नहीं था इसलिए मैं वो नहीं कर पाई, और नेवर थिंक दैट यू आर वीकर देन एनीबडी, यही हमारी पहली ताकत है, जो हम किसी से वीक है यही सोचकर यदि हम चल पड़े तो कहीं नहीं कर पाएंगे कुछ भी, यही सोचना है हम सबसे स्ट्रांग है, हमें कुछ करना है, मैं कर सकती हूँ। कभी निराशा आए साथ में तो
कभी भी आए तो सोचना कि ये एक पार्ट ऑफ गेम है, दुख नहीं तो सुख भी नहीं है, दुख हर किसी के साथ है, पेन है तो ही आप आगे जा सकते हो। नो गेन विदाउट पेन जिसने लिखा है वो गलत नहीं लिखा। हर किसी के पास दर्द है, कभी किसी का सिर दर्द है या फिर किसी का चिंता है, बॉडी में दर्द नहीं तो किसी को किसी से डर है। तो इसलिए ये सब चीज़ों को हम छोड़ देंगे तो हम जरूर आगे जा सकते हैं। बहुत आपने डीप बात कही है रचिता, मैं चाहूँगी कि आपकी बातें सुन के उनको प्रोत्साहन तो मिले ही, लोगों को जो आगे आना चाहते हैं, साथ साथ इस क्षेत्र में ज़्यादा बदलाव आए आगे चलकर, इसकी भी कामना करूँगी। थैंक यू, बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए। थैंक यू। अगर मन में लगन हो तो कोई बाधा रास्ता रोकती नहीं बल्कि चुनौती बनकर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जिंदगी को और अपने लक्ष्य को अपनी शर्तों पर हासिल करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन एक बार जब हम पूरे इरादे से उसे हासिल करने का फैसला कर लेते हैं तो कोई चीज़ हमें रोक नहीं सकती। रचिता ने भी जिंदगी में चुनौतियों का जवाब देना सीखा। उन्होंने जो अपने लिए तय किया उस पर आगे बढ़ती गईं और एक दिन उसे पा लिया।